इंदौर के आईपीएस कॉलेज के छात्र अब शहर के विभिन्न थानों में वर्षों से कबाड़ के रूप में पड़े वाहनों को लेकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से पुलिस को बताएंगे कि इस कबाड़ का बेहतर प्रयोग करके किस तरह अतिरिक्त आय जुटाई जा सकती है। साथ ही थानों को खूबसूरत बनाने पर भी छात्र अपनी राय देंगे। विभिन्न पुलिस थानों में चोरी हुए वाहन, जब्त किए वाहन एवं एक्सीडेंटल वाहन रखे हैं। इन वाहनों से प्रदूषण, गंदगी, जगह की कमी, आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं हो रही हैं। इन समस्याओं को हल के लिए डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र से चर्चा कर आईपीएस कॉलेज के छात्र के दल ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम प्रकृति रखा गया है, जिसका मकसद थानों के कबाड़ की समस्या का बेहतर हल निकालकर अतिरिक्त आय अर्जित करना व थाना परिसर को खूबसूरत बनाना है। पुलिस अधीक्षक बीपीएस परिहार ने बताया कि लंबे समय से रखे वाहनों को चिन्हित कर शहर को स्वच्छ करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जाएगा। ये जो पुल रहते हैं, जो वाहन जब्ती के रहते हैं, तो उसमें एक्चुअली जो हमारे वाहन जब्त के रहते हैं, उसका डिस्पोजल किया जाना है, नीलामी किया जाना है। उस विषय में माननीय SSP महोदय ने एक मीटिंग ली थी, SP साहब भी थे और सभी CSPs थे। उसमें एक ये किया गया था कि हम लोग उसका कैसे डिस्पोजल करेंगे, पूरा चिन्हित करेंगे, चेचिस नंबर मिले नंबर। और इसके साथ ही IPS कॉलेज के को भी एक प्रोजेक्ट मिला था कि उनको जो थाने जो वाहन लावारिस है उसके बारे में प्रोजेक्ट था। तो हम लोग दोनों संयुक्त तत्वावधान में इस बात का कर रहे हैं कि जो थाने में गाड़ियाँ खड़ी हैं वो लावारिस हैं तो किसकी है, क्या है, उसको चिन्हित किया जाना है। जो गाड़ी डिस्पोजल में होंगी उनको डिस्पोजल किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट का कार्य जुलाई अंत तक पूरा किया जा सकेगा, जिसमें 50 छात्रों का दल कार्य में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, इंदौर।